अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। टोली चौकी ब्रांच मुबारक रिश्तों की जानिब से एक प्रेस मीट की गई है, जिसमें मुबारक रिश्ते मेट्री मेन्यूअल सीओ शाहनवाज ने अप्रैल की 13 और 14 तारीख को मेगा रिश्ते इवेंट रखा गया है। आइए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। मैं शाहनवाज, मुबारक रिश्ते मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट का सीईओ हूं। इंशाल्लाह अप्रैल की 13 और 14 तारीख को मेगा रिश्ते इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जोड़ी मुबारक को बोलकर। इंशाल्लाह इसमें कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा रिश्ते हम लोग तय कर पाए। अभी आप लोग यानी काफी न्यूज पेपर्स में देखते हैं कि हमारे पास आज करीब 9,500 रिश्ते ऑलमोस्ट अवेलेबल है, लेकिन लोगों की जो आजकल चॉइसेस बढ़ गई है, लोग एक से अलग रिश्ता देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से रिश्ते होना जरा सा मुश्किल हो रहा है। इतने 9,500 रिश्ते लड़के और लड़कियों के रखते हुए भी कई बार हम लोग को उनमें से रिश्ता कराना मुश्किल हो जाता है। तो हम ये सोचे कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, जहां पर कम से कम 3,000 से 5,000 नए लोग आए और हमारे साथ जुड़ सके, और जो रिश्ते ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड है उनमें से सिलेक्शन करें, और अगर उनमें से रिश्ते हो जाए तो इंशाल्लाह रमजान के बाद जल्द से जल्द इसको शादी करने की यानी कोशिश कर रहे हैं, रिश्ता तय करने की। इंशाल्लाह उन लोग की आसानी के लिए हम लोग ये जोड़ी मुबारक को बोलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 13 और 14 तारीख अप्रैल की खाजा मेंशन में। सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 7:30 बजे तक रहेगा और बहुत ही प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज रहेगा। मैं एक चीज बड़े वाजे तौर पे बोल दूंगा सबको कि ये प्रोग्राम जिस तरह से आमतौर पे कई फंक्शन हॉल्स में होता है कि लड़के और लड़कियों के वालिदैन एक जगह जमा हो रहे, एक दूसरे को अपने फोटो बायोडाटा बता ले रहे, बात कर ले रहे, ये प्रोग्राम वैसा नहीं है। ये एक एलीट क्लास फैमिलीज के लिए है, जहां पर लोग आए अपना किस तरह का रिश्ता देख रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज के स्टॉल्स बने हुए रहेंगे, वहां पर आए अपना बैठिए और सिलेक्ट कर लीजिए अपने प्रोफाइल्स। अब जैसा फॉर एग्जांपल कोई सिर्फ यूएस के प्रोफाइल्स देख रहे हैं या कोई डॉक्टर्स के प्रोफाइल्स देख रहे हैं, आप उस जगह जाइए, उस स्टॉल में जाइए एब्रॉड ग्रूम्स के, और वहां पर आपको यूएस, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर, यूके, वो वाले प्रोफाइल्स मिलेंगे। गल्फ ग्रूम्स के उसमें जाएंगे आप स्टॉल में, तो वहां पर पूरे गल्फ के ग्रूम्स के प्रोफाइल्स बताए जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 स्टाफ हमारा एक एक स्टॉल में रहेगा और वो लोग बहुत ही क्लैरिटी से प्रोफाइल्स को समझाएंगे, और जहां से उनको इजाजत मिली है फोटो बताने की तो फोटो भी बताएंगे। ब्राइड्स के प्रोफाइल्स देखने के लिए जो लड़कों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उन माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि प्लीज लेडीज आइए, जेंट्स को लड़कियों के प्रोफाइल्स नहीं बताए जाएंगे इस प्रोग्राम में। लेडीज का सेक्शन अलग है, वहां पर जाकर इंजीनियर ब्राइड्स है, हैदराबाद में वर्किंग ब्राइड्स है, या यूएस सिटीजन ब्राइड्स है, गल्फ बॉर्न ब्राइड्स है, डॉक्टर ब्राइड्स है, इंजीनियर ब्राइड्स है, आप जिस तरह की कैटेगरी के रिश्ते देखना चाह रहे वो स्टॉल में जाकर, एक स्टॉल, दो स्टॉल, तीन स्टॉल आपकी चॉइस, अगर 2 से 3 है डॉक्टर भी देख रहे आप, इंजीनियर भी देख रहे तो बिल्कुल वैसे स्टॉल्स में जाके, या खासतौर पे बिजनेस क्लास फैमिलीज के लिए भी लड़के और लड़कियों में अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए हैं, जहां पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे एलिट फैमिलीज के, अच्छे बड़े पैमाने के बिजनेस क्लास के जो लड़के लड़कियां हैं उनके प्रोफाइल्स भी बताए जाएंगे। लेकिन लड़कियों के प्रोफाइल्स रहेंगे, खाजा मेंशन में 2 फ्लोर है, नीचे का फ्लोर सिर्फ ब्राइड्स प्रोफाइल्स के लिए रखा गया है और वहां पर जेंट्स अलाउड नहीं रहेंगे। जो भी लड़के के वालदा है, खाला है, बहने हैं, भाभी है, वो लोग आइए लड़कियों के प्रोफाइल देखिए। वालिद है, बुजुर्ग है, भेज सकते ना, प्लीज अल्लाह के वास्ते ये इजाजत ना हम अपने कस्टमर से पूछे हैं ना हम बताएंगे। लड़कों के लिए दोनों बिल्कुल बैठ सकते हैं, वालिद वालदा लड़की के, लड़कों के प्रोफाइल्स देख सकते। कोशिश है कि कम से कम 1,000 रिश्ते तय कर पाए इंशाल्लाह रमजान से पहले। अच्छा, और एक चीज जो मैं भूल गया हूँ,
इस इवेंट में अंदर आने के लिए खाजा मेंशन में 500 रुपीस एंट्री फी है, जो फीस पे करने के बाद एक कार्ड दिया जाएगा आपको, वो कार्ड लेकर आप शॉर्ट के अंदर जा सकते हैं। और जब रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो ये 500 रुपीस आपके उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, कोई आपके 500 रुपीस वेस्ट नहीं होंगे, इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस सर एक फोर प्लान है, जनरल, गोल्ड, प्रीमियम एंड फास्ट ट्रैक, तो उसमें से जो चाहे वो प्लान ले सकते हैं, उसमें से 500 रुपीस आपको डिडक्ट हो जाएंगे। अभी तो मिडिल क्लास फैमिलीज को इस इवेंट में टारगेट कर रहे हैं, लोअर मिडिल के लिए इंशाल्लाह रमजान के बाद कराना है कि वो प्रोग्राम वैसे भी फ्री रखेंगे हम। और इस इवेंट में खासतौर पे इवन सेकेंड मैरिज लड़कियां और लड़कों के रिश्ते कराने की भी बहुत ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें लड़की लड़की का आपको लड़की और दूसरे प्रोग्राम की तरह लड़के और लड़कियों के पेरेंट्स मिल रहे हैं, बैठा एक दूसरे को बता रहे, वो प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे थ्रू ही जाना है आपको। और मतलब वहाँ पे तो काफी सारे लोग रहे, मैं कोई रोक तो नहीं सकता हूँ, और अल्लाह खैर करे अगर मिल गए, किसी का जोड़ा हो गया तो बस अल्लाह कबूल कर ले, और हमारी आपकी सबकी कोशिशों को अल्लाह ताला बरकत दे। सब हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं ये, और यकीन माने कई हजार रिश्ते मुबारक। उसमें कितना सक्सेस रेट है? सक्सेस रेट के बारे में, अच्छा आप सक्सेस रेट किस सालों से पूछे, शादी होने के बाद का पूछे आप या कितने सक्सेस करा आपके पास, रिश्ते कितने हैं, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन कितने हुए चारों कैटेगरीज में? और उसका जैसा आप देख रहे हैं आप 9.5 कितने रिश्ते जब एक जगह आ रहे हैं, लोग आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विस से लोग मुतमईन है। और लोग बाहर बोलते हैं कि जाइए आप मुबारक रिश्ते में, इंशाल्लाह हो जाएगा रिश्ता, और ये कब बोलेंगे लोग, जब उनके खुद के रिश्ते होते हैं, वरना कोई भी किसी को रिकमेंड नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह कई हजार रिश्ते करवा लेंगे। क्या इसके अंदर आपके रेट्स है? लड़के और लड़कियों के लिए सेम मेरी फीस है, और हमारा कोई मतलब नहीं है कि आप क्या जोड़े की रकम दे रहे हो या नहीं ले रहे हो, हम और जोड़े की रकम को मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता हूँ, बल्कि मेरा जाती मशवरा है कि लड़के वाले इवन चमचा भी नहीं पूछना चाहिए। एनआरएस के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन फीस क्या रखे आप? मेरे पास 5000 रुपीज का एक रजिस्ट्रेशन है, रिश्ता होने के बाद 20000 रुपये फीस होती है, वहाँ तब तक वैलिडिटी रहती है, और हम रेगुलर सर्विस देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब स्टाफ है मेरे पास, जो रेगुलर कस्टमर के साथ टच में रहता है, उनके मुताबिक के रिश्ते बताए जाते हैं। देखिए अब एक बीकॉम लड़की है, किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।